मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कल हमने वॉर्म गियर स्टार्ट किया था, आज हम उसके न्यूमेरिकल देखेंगे और कल एक न्यूमेरिकल के साथ ही ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल इसमें है, ए ट्रिपल थ्रेडेड वॉर्म हैज़ टीथ ऑफ 6 mm मॉड्यूल, मॉड्यूल दे दिया है एंड पिच सर्किल डायमीटर ऑफ 50 mm और 50 mm पिच सर्किल डायमीटर दे दिया है। किसका? वॉर्म का। इफ़ द वॉर्म गियर हैज़ 30 टीथ ऑफ 14 1/2 डिग्री एंड द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द वॉर्म गियरिंग इज 0.05, तो क्या कैलकुलेट करना है? लीड एंगल ऑफ द वॉर्म, वेलोसिटी रेशियो, सेंटर डिस्टेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ द वॉर्म गियरिंग। तो जो गिवन है, देखो, एक ट्रिपल थ्रेडेड वॉर्म यानी कि एन इज इक्वल टू 3 गिवन है, मॉड्यूल 6, DW50, TG5 और म्यू, कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ये सब चीज़ें हमारे पास गिवन है। तो कल मैंने बताया था लीड एंगल ऑफ द वॉर्म फॉर्मूला क्या होता है, 10 लैम्डा इज इक्वल टू एम इंटू एन अपॉन DW। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे एम की, एन की और DW की, तो 0.36 आ जाएगा 10 लैम्डा। यहाँ से हम लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे, यही हमारा वॉर्म का लीड एंगल होगा। फिर है वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो हमारा होता है TG अपॉन एन, यानी कि TG 30 दे रखा है, एन हमारा 3 है, इज इक्वल टू हो जाएगा 10। फिर है सेंटर डिस्टेंस, सेंटर डिस्टेंस के लिए हमें ये फॉर्मूला गिवन है, एक्स इज इक्वल टू DW प्लस TG अपॉन 2। यहाँ पे हमें DW तो सीधा गिवन है क्वेश्चन में, DG हमें कैलकुलेट करना है। तो DG के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है DG इज इक्वल टू एम इंटू TG। तो यहाँ से DG कैलकुलेट करके यहाँ पुट करेंगे और x की वैल्यू यानी कि सेंटर डिस्टेंस की वैल्यू 115 mm आ जाएगी। इसके बाद लास्ट जो इसमें पूछा गया है वो है एफिशिएंसी ऑफ द वॉर्म गियरिंग, उसके लिए ये फॉर्मूला मैंने कल आपको डिराइव करा दिया था। तो ये यहाँ से इसमें सभी वैल्यू पुट करेंगे और जो हमारा आंसर है वो आएगा 85.8%। सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं, सेकेंड न्यूमेरिकल में देखते हैं डाटा कौन कौन सा गिवन है। देखो पूछा क्या गया है, सेकंड वाले में कैलकुलेट टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉर्म, एक्सियल थ्रस्ट एंड सेपरेटिंग फोर्स ऑन द गियर और इफिशियंसी ऑफ द वॉर्म ड्राइव, तीन चीज़ें पूछी गई हैं। तो इसमें गिवन देख लेते हैं, गिवन हमारा क्या है, पी गिवन है, NW गिवन है, NG गिवन है, DW, TG, M, फाई और म्यू गिवन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग ऑन द वॉर्म। तो सबसे पहले इसके लिए टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क के बाद टेंजेंशियल फोर्स WT जो होता है वो टॉर्क ऑन वॉर्म अपन रेडियस ऑफ वॉर्म आ जाएगा। उसके बाद एक्सियल थ्रस्ट एंड सेपरेटिंग फोर्स, एक्सियल थ्रस्ट के लिए हमें सबसे पहले लीड एंगल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी क्योंकि एक्सियल थ्रस्ट का फॉर्मूला WT अपॉन 10 लैम्डा होता है। फिर सेपरेटिंग फोर्स ऑफ द वॉर्म, ये फॉर्मूला होता है WR इज इक्वल टू WA 10 फाई, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो WR भी कैलकुलेट कर जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर में यहाँ निकलना है इफिशियंसी ऑफ द वॉर्म ड्राइव, तो वॉर्म ड्राइव की एफिशिएंसी भी हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। एक ये न्यूमेरिकल बचता है इस चैप्टर का, इसको हम कल कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर और सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू क्लास।